अगर आप बाइक लवर्स हैं तो आप रॉयल इनफील्ड के क्रेज से जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब 1993 में आइशर मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड को खरीदा था तब तो वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और अगले 5 साल तक लगातार लॉस में रही, जिस वजह से कंपनी बंद होने की कगार पर थी और आइशर मोटर्स उसे बेचना चाहता था। लेकिन तब के MD सिद्धार्थ लाल, जो कि खुद बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक और चांस मांगा और उसके बाद रॉयल इनफील्ड में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और खुद से कई 100 किलोमीटर इंडिया में रॉयल इनफील्ड से घूमे ताकि इंडिया में बाइक्स का क्रेज फिर से शुरू किया जा सके। और उसी का नतीजा है कि आज रॉयल इनफील्ड मिड साइज बाइक के सेगमेंट में 96% मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं और इसी वजह से रॉयल इनफील्ड का इतना क्रेज है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपने कभी गौर किया कि आपके आसपास बहुत से ऐसे आदमी हैं जो कि जब कभी भी पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं और अगर उस वक्त उनके आसपास कोई आके खड़ा हो जाए तो वो सुसु यानी कि टॉयलेट कर ही नहीं पाते? गाइस, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है जो कि दुनिया के 21% लोगों का है और इस बीमारी का नाम है पारूरेसिस। गाइस, ये एक तरह का सोशल फोबिया है जिसमें वो आदमी सिर्फ अकेले में ही सुसु कर पाता है और अगर उसके आसपास कोई आके खड़ा हो जाए तो ये फोबिया इतना पावरफुल है कि वो सुसु आते हुए भी नहीं कर पाता। गाइस, क्या आपको भी पारूरेसिस है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाल ही में YouTube के शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पे दुनिया के सबसे फेमस K-pop बैंड BTS ने भी अपना शॉर्ट्स रिलीज किया और देखते ही देखते वो वायरल हो गया। अभी तक 52 मिलियन से ज्यादा व्यूज उस पे आ चुके हैं और थोड़े दिन पहले तक तो वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। वैसे तो पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी करोड़ों लोग K-pop के इस बैंड के दीवाने हैं, पर सवाल ये है कि BTS का आखिर मतलब क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली BTS 7 कोरियन लड़कों का एक K-pop बैंड है और जिसकी फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग है। BTS का फुल फॉर्म है बैंगटन सोनियंडन, जो कि एक कोरियन लाइन है जिसका हिंदी में मतलब है गिरकर फिर से उठना। तो चलिए गाइस, फिर से उठ जाइए और BTS के इस डांसिंग चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और अपना पहला डांसिंग शॉर्ट्स बनाइए, बिकॉज यू डोंट नीड एनी परमिशन टू डांस। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इंडिया और इंडिया जैसे बहुत सारे देशों में बहुत से लोग सिर्फ नौकरी पेशा हैं, वो नौकरी ही करना चाहते हैं और खुद का बिजनेस नहीं। क्या वो रिस्क उठाने से डरते हैं? नहीं, ये रीजन नहीं है। तो फिर रीजन क्या है? वो बताया जैकमा ने। एक बार जैकमा ने कहा कि अगर किसी बंदर के सामने 1 दर्जन केले और 1 लाख रुपए रख दें तो वो 1 दर्जन केले ही उठाएगा, 1 लाख रुपए नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि 1 लाख रुपए से वो बहुत सारे केले खरीद सकता है। इसी तरह से नौकरी पेशा लोगों को ये पता ही नहीं है कि बिजनेस करने से, जिसमें उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी वो जॉब के लिए करते हैं, उससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। गाइस, यही रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, वो इस चीज से बेखबर हैं। गाइस, आपको ये जान के कैसा लगा और क्या आप भी इससे तवज्जो रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो ये बनियान पहन लो, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो ये टॉफी खा लो, तो आप मुझ पे हंसेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही आपको एडवर्टाइज करके या सेलिब्रिटी के थ्रू बुलवा के आपको सामान बेच भी रही है और आप बनियान खरीद के पहन भी रहे हो और टॉफी खरीद के खा भी रहे हो, विश्वास नहीं होता? लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो, ऐसे कह के वो बनियान को लक से जोड़ रहे। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। और इसी तरह से मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे, ऐसे कह के वो एक टॉफी को दिमाग को तेज करने वाली बता रहे हैं। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। और आप लोग ये सब खरीद भी रहे हैं। गाइस, आइडिया बुरा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एडवर्टाइजमेंट। उनको पता है कि ऐसी कहानियां आज भी दिमाग पर उतना ही असर डालती हैं, चाहे आप मानो या ना मानो, बस दिखाने का तरीका अलग होना चाहिए। गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आजकल स्मार्टफोन सबके पास है और उसके बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम और उसके हैंग होने की प्रॉब्लम अमूमन सबको आती है, तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपको कहीं जाना है और आपका स्मार्टफोन चार्ज नहीं है और आपके पास समय भी कम है, इन दैट केस आप उसे एरोप्लेन मोड में चार्ज करिए, वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका मोबाइल फोन धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है और आपके पास चार्जर भी नहीं है, इन दैट केस अगर आप ये चाहते हैं कि इमरजेंसी के लिए मेरा फोन ऑन रहे और मैं एक कॉल
कम से कम कर सकूं तो भी आपको एरोप्लेन मोड या इमरजेंसी मोड बहुत काम आएगा। और तीसरा, अगर आपका फोन हैंग हो रहा है, इन दैट केस अपने फोन को चार्जर पे लगाइए, वो नॉर्मल हो जाएगा। गाइज, आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।